आज की ब्लॉगिंग की शुरुआत मैं कर रही हूँ। तो मेरा नाम संतोषी है। कल वाले ब्लॉग में मैंने बोला था कि गुप्तेश्वर की जनसंख्या 1 करोड़ के आसपास है। तो गाइस चेक करो, ऐसे करके जूस निकाला जाता है यहाँ से, देख सकते हो ये सारे संतरे हैं। गाइस माफ कर देना, इतना छोटी मोटी गलती होती रहती है। आज मेरे को जाना है घर, घर में कुछ काम है। मैक्सिमम चलते हैं हम 1 लाख के करीब, समथिंग 1 लाख के करीब हो। हेलो गाइस, हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हो? अभी हम उठ रहे हैं, ये तो अभी सोया है यसु, अभी सोया। हमने चाय भी पी ली। मैं थोड़ी अब किताब पढ़ती हूँ। ये नैना तो अभी स्कूल के लिए तैयार हो गई, भारी नहीं आ रही, पता नहीं टिफिन पैक कर रही शायद अंदर। और तो आज का प्लान तो कुछ नहीं है, आज की ब्लॉगिंग की शुरुआत मैं कर रही हूँ। तो मेरा नाम संतोषी है। तो आप ब्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें, जिससे कि भाई का चैनल जल्दी से जल्दी ग्रो करे। तो इसने टिफिन पैक कर लिया, स्कूल जा रही। हाय गाइस, हाय गाइस। तो इसकी स्कूल बहुत दूर है गाइस, ये ऊपर GGS से जाती है कुंड में, बहुत दूर है यहाँ से, चढ़ाई में जाती है। इसने टिफिन में पता नहीं 2 रोटी, अचार, 1 संतरा भी ले जा रही। वही संतरा क्यों ले जा रही? खाने के लिए। गाइस इसका बैग फट गया है, फिर भी सिल नहीं रही भाई अपना बैग। ये है इसका गेटअप स्कूल का, स्कूल में जाती हैं, अपने दोस्त को कॉल कर रही। और मैं पढ़ती हूँ थोड़ी किताब, उसके बाद करते हैं नाश्ता। उसके बाद तो मैं नाश्ता करूँगी किताब पढ़ के, तब यहाँ झाड़ू बर्तन धोऊँगी, तब और काम होगा। बाय गाइस। हाँ जी गाइस, गुड मॉर्निंग, जय श्री राम दोस्तों। तो गाइस करते हैं चलो आज की ब्लॉग स्टार्ट। तो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू एपिसोड एंड वेलकम टू माय टू चैनल। तो गाइस आई होप आप सब लोग स्वस्थ और मस्त होंगे, मैं भी एकदम स्वस्थ और मस्त हूँ। तो आज मैंने सुबह उठते ही फोन चेक किया तो तब तक दीदी ने ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दी। क्या बात है, आज दी ने ब्लॉगिंग स्टार्ट की। चलो कोई ना, आज की ब्लॉगिंग दी ने की स्टार्ट। तो चलो करते हैं आज फिर से एक नए ब्लॉग की शुरुआत। तो सर्दी भी बहुत हो रही है, ठंड भी बहुत हो रही है यहाँ गोपेश्वर में। आजकल जो कि धुंध के कारण कुछ मौसम भी क्लियर नहीं हो पा रहा, क्योंकि बारिश भी नहीं लग रही आज, बहुत टाइम हो गया इसका, इस बारिश का भी कोई सीन सुन कुछ नहीं है। और सारे तो बर्फ बर्फ भी पड़ जाती थी गांव में, इस बार कुछ नहीं है, बारिश भी नहीं है, बर्फ़ भी नहीं है। ये ओली साइड तो शायद कल पड़ी थी शायद थोड़ी बहुत। बस उठते हैं फटाफट से, फिर करते हैं नाश्ता वास्ता। अभी बाहर धूप भी नहीं आई है और टाइम हो रहा अभी सुबह के 9 बज रहे हैं। और आजकल गाइस वैसे ही उतना ही हो रहा, रात को ब्लॉगिंग एडिटिंग करना, फिर पोस्ट करना, फिर सुबह पब्लिक 10 बजे पब्लिक करना। तो गाइस टाइम है सुबह के 9:30, और आज मैं आ रहा हूँ पीजी कॉलेज गोपेश्वर में। और आज मेरे को यहाँ पर मिले हैं हमारे गांव के जो कि इंग्लिश के प्रोफेसर हैं, डॉक्टर दिनेश पवार जी, वो मिलाते हैं आपको, जो कि इंग्लिश के प्रोफेसर हैं। और आज मैं आ रखा हूँ इनके अपार्टमेंट में, कॉलेज के अपार्टमेंट में। तो ये है भैया जी। हेलो भैया जी, गुड मॉर्निंग, बढ़िया, आप ठीक हो? बढ़िया बढ़िया, और ठीक, बस आप बताइए। सब बढ़िया है, और बताओ आज आप? तो गाइस ये रहा, ये डिपार्टमेंट है इंग्लिश, हाँ जी, का पीजी कॉलेज गोपेश्वर में। और जैसे कि आपको पता है कि मैं इसी कॉलेज में पढ़ा हूँ, 2010 में यहाँ पर आया था पढ़ने के लिए, और अब इसी कॉलेज में जॉब करता हूँ। और मेरे लिए सौभाग्य की बात है, और बस चल रहा है। या मैक्सिमम कितने स्टूडेंट होंगे कॉलेज में? हाँ, कॉलेज में ऑलमोस्ट 3000 रेगुलर स्टूडेंट होते हैं। और इंग्लिश की बात करें तो एक क्लास में ऑलमोस्ट 200 बच्चे होते हैं, तो मिनिमम जो बच्चों की संख्या है वो 600 इंग्लिश सब्जेक्ट्स में है। थैंक यू सो मच भैया जी। और गाइस दिखाता हूँ मैं आपको यहाँ का पीजी कॉलेज गोपेश्वर का, और गाइस भी चेक करिए आप कॉलेज का, और ये चेक करो गाइस, ये सारा अपॉइंटमेंट इधर आपको यहाँ MA BA सब मिलेगा। और यहाँ इसके जो नीचे साइड पर है, यहाँ पर है BEd का डिपार्टमेंट, नहीं देख सकते गाइस इसके नीचे पे, जहाँ पर PhD इसके नीचे पे। तो करते हैं भैया जी से बात, फिर मिलता आपको। तो सो भैया जी गाइस, तो फाइनली पहुँच चुका हूँ भैया जी के रूम पे, और भैया जी और यहाँ पर तैयार। भैया कहाँ जा रहे हैं आज? आज कहाँ हो रहे तैयार के लिए? घूमने जा रहा था, घूमने। कहाँ? मार्केट में चलते हैं, जहाँ भी मिलेगा घूमेंगे। ये क्या था भाई, ये क्या था, ये क्या था? तो गाइस हम जा रहे हैं मार्केट और उद्योग विभाग में, जो कि संतरा का रस जूस निकालना हमको आज, जितने कल संतरा छिले थे हमने तो उसका रस निकालेंगे। तो फटफट चलते हैं, फटफट होते तैयार, फिर मिलते हैं आपको रास्ते में। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, हेलो गाइस, इतना पढ़ा दिया आज मैंने, ये
ये मेरी लाइफ में होती है आदमी ये उल्टा सुल्टा भागता रहता है समझे। पहले पहुंचे कि हम उद्योग विभाग में चलते हैं फटाफट से। तो चलिए जी अब चलते हैं, ये पता नहीं कौन से कुप्चे में है। तो भाई ये चेक कर सकते हो, ये है यहाँ का जूस का जूस निकलने वाला। भाई जी ये है यहाँ का उद्यान विभाग जो कि यहाँ सारे आंटियाँ काम करती हैं और यहाँ सारे जूस मतलब हर प्रकार के जूसें उपलब्ध होती हैं। यहाँ से देख सकते हो भाई ये लगे हुए हैं काम करने में। तो भाई ये चेक करो, ऐसे करके जूस निकाला जाता है यहाँ से देख सकते हो। ये सारे संतरे हैं, इनके सारे जूसें निकल जाती है। देखो चेक करो गाइस, पहुंचो मैं उद्यान विभाग में और आपने देख लेगा कि सारे आंटियां लोग यहाँ काम करते हैं जो कि यहाँ पर बहुत बड़े बड़े मशीनें लगे हुए हैं। तो हर फल का जूस निकाला जाता है यहाँ, चाहे सेब हो, चाहे आम हो, चाहे संतरा हो, चाहे कोई भी हो, वो सारे चीज़ों का जूस निकाला जाता है यहाँ। तो निकालते हैं हम फटाफट से, फिर मिलता चक्कर गए भैया जी निकाले यहाँ पर जूस और हमारा इतना संतरा है देख सकते हो ये पूरा एक टप चेक करो गाइस, ऐसे कर निकाला जाता है जूस। इसमें डालना पड़ता है एक ही करके और फिर उसको दबाना पड़ता है मशीन, फिर एक तरफ छिलका फेंकते एक तरफ जूस निकालता है। ये चेक करो गाइस, इधर सारा छिलका उधर सारा जूस। इस जूस को निकालने के बाद इसको इसमें डालना पड़ता है, फिर इसको एक एक कॉपी से ऐसे छानना पड़ता है, जो इसमें बीज बूज होंगे वो सारा ऊपर ही छनेगा और जो जूस होगा वो पानी पानी जैसा नीचे जाएगा। वो गाइस चेक करो, चेक करो गाइस ऐसे इतना लास्ट में इतना ही बचा है जो ऊपर का कबाड़ कबाड़ होता है। गाइस फाइनली बन चुके हैं जूस और एक ये 5 लीटर का डब्बा और इतना ये चेक करो गाइस, एक टप संतरे से और इतना जूस निकल रखा है। तो गाइस मैं अभी ATM और वहाँ गूगल पे नहीं चलता तो इसलिए वो कैश मांगते हैं, तो चलो मैं फटाफट ATM में फिर मिलता आपको। तो यार गाइस हम जूस निकल के रूम पे पहुँच चुके हैं और गाइस मैं आपको एक अपडेट देता हूँ। गाइस कल वाले ब्लॉग में मैंने बोला था कि गुप्तसर की जनसंख्या 1 करोड़ के आसपास है, तो गाइस मेरे से मिस्टेक हो गई थी, मैंने मतलब मैं वैसे तो इतना नहीं बोला था पर मुँह से निकल गया, तो कोई नहीं गाइस माफ़ कर देना, इतना छोटी मोटी गलती होती रहती है। तो सॉरी गाइस मैं आपसे दिल से सॉरी माफ़ी मांगता हूँ। तो गोपेश्वर की जनसंख्या की बात किया जाए तो दोस्तों में चलते हैं हम 1 लाख के करीब, समथिंग 1 लाख के करीब होगी अगर छोटे बड़े से बुजुर्गों से लेकर के लगाया जाए तो 1 लाख समथिंग होगी। तो गाइस अभी टाइम हो रहा है दिन के 12:41 मतलब 1:15 हो रहा है दिन के अभी टाइम। और तो अभी आज मेरे को जाना है घर, घर में कुछ काम है तो हम जा रहे हैं घर भैया जी और मैं, तो इमरजेंसी कुछ काम आ गया तो चलते हैं फटाफट से घर। तो गाइस फाइनली नहीं पहुँचे हम चमोली में और अभी भैया जा रहे थोड़ा कुछ दवाई लेने, तो चलते हैं इसके बाद सीधा चमोली से निकलते हैं, टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गए। गाइस एक बारी चमोली का व्यू चेक करो आप, ये देखो गाइस आज यहाँ धूप खेल रखी है बड़े प्यारे प्यारे और मौसम भी बिल्कुल साफ है, उधर से कुछ बादल आ रहे हैं सिर्फ। तो सोहेमिल जी गाइस अभी टाइम हो रहा है शाम के 5 बजे और फाइनली हम पहुँच चुके हैं घर। गाइस मैंने क्योंकि बाइक में व्यू तो नहीं बनाया क्योंकि ब्लॉग ज़्यादा शूट नहीं कर पाया, क्योंकि मेरे पास सामान था इसी कारण ब्लॉग शूट नहीं कर पाया। तो मैं पहुंच गया फाइनली घर और यहाँ पर है दादाजी। दादाजी की तबीयत हो रही ख़राब आजकल। हेलो दादा, गुड इवनिंग। तो गाइस दादाजी की हो रही तबीयत ख़राब आजकल, पता नहीं क्या क्या खाया दादाजी ने, क्या खाया दादाजी आपने वीडियो बना तुम्हें? अरे यार वीडियो बना, क्या खाया तुमने? पनीर पनीर। तो दादाजी ने खाया शायद पनीर पुनिया। तो दादाजी क्या हो गया, थोड़ी तबीयत खराब, खांसी जुकाम शायद, तो आज दवाई लेके आए घर हम। तो गाइस चलते हैं मैं यहाँ से सीधा घर की ओर और फिर घर में मम्मी जी से मिलता हूँ। ओके यार गाइस, तो गाइस फाइनली मैं निकल चुका हूँ दादा लोगों के घर से और दादाजी का जुकाम और खांसी हो रखा है, तो चलता हूँ फटाफट से घर, फिर मिलता हूँ, फिर मम्मी जी से मिल आता हूँ। आज बहुत टाइम होगा ना, मतलब 8-9-10 दिन हो गए मैं मम्मी से नहीं मिला हूँ अभी तक, तो चलता हूँ फटाफट से घर, फिर मिलता हूँ, फिर आपको भी मिलाते हैं। और गाइस ठंड इतनी नहीं है कसम से, आधे से कुड़ गए पूरे, वही बाइक में तो बाइक में ज़्यादा ही ठंड हो रहा था, तो चलता हूँ। तो सोहेमिल जी गाइस अभी टाइम हो रहा शाम के 7 और मैं फाइनली घर पहुँच चुका हूँ और मम्मी जी भी यहाँ पर है, तो मम्मी जी से मिलाते आप सभी को। तो हेलो मम्मी। हेलो, जय श्री राम। जय श्री राम, कैसे हो? ठीक है और सुना?
क्या सुनाऊं, खाना बना रहे। तबीयत पानी ठीक है? बढ़िया। तो गाइस मम्मी जी बना रही खाना। तो इस ब्लॉगिंग के एंडिंग यहाँ पे करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ब्लॉग अच्छा लगा, तो लाइक करना, कमेंट करना। तो मिलते हैं जल्द से एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हो खाना। टेक केयर, बाय बाय, जय श्री राम।